मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कल एक 10 वर्षीय अब्दुल्ला अंसारी नाम के बच्चे की डेरी वाइट मिल्क पाउडर खाने की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो गई। उस बच्चे को उल्टी होने लगी, जिसके बाद पहले एक नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया गया, उसके बाद उसे बिलाल अस्पताल लेकर जाया गया। ये बच्चा अब्दुल्ला अंसारी कादर पैलेस का रहने वाला है और इसके पिता का नाम जुनैद अंसारी है। ये बच्चा अपनी माँ के साथ MS कॉलेज के पास मरियम मिल्क सेंटर से 5 रुपये में मिलने वाला डेरी वाइट मिल्क पाउडर लिया और ये मिल्क पाउडर खाते ही अब्दुल्ला अंसारी की तबीयत खराब होने लगी। उसे कई बार उल्टी हुई, जिसके बाद एक नज़दीकी डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि फूड पॉइजन हुआ है, क्योंकि डेरी वाइट मिल्क पाउडर जो बच्चे को दुकानदार ने दिया था वो एक्सपायर हो चुका था और इस वजह से उस बच्चे की तबीयत खराब हुई थी। बच्चे के पिता जुनैद अंसारी ने बताया कि मरियम मिल्क सेंटर चलाने वाले अशफाक अंसारी से जब एक्सपायरी मिल्क पाउडर बेचने के बारे में पूछा तो पहले वो गुस्से में आ गए, बाद में फिर अपनी गलती मान ली और बिना एक्सपायर डेट देखे हुए बच्चे को ये मिल्क पाउडर दे दिया। इस मिल्क पाउडर की पैकिंग 18 सितंबर की है। वहीं कुछ लोगों ने बताया कि मुंब्रा शहर में इसी तरह के सड़कों पर और दुकानों में एक्सपायरी डेट मिटाकर खाने पीने की चीज़ें बेची जा रही हैं, जो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ज़रूरत है खाद्य विभाग ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई करे और बच्चे के पिता जुनैद अंसारी और मरियम मिल्क सेंटर चलाने वाले अशफाक अंसारी ने क्या कहा है। इस्लाम भाई, मेरे बेटे का नाम अब्दुल्ला अंसारी है, 10 साल का मेरा बच्चा है। मैं ऑफिस पे था, अचानक मेरे को ना घर से फ़ोन आया मेरी मिसेज का कि बच्चे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। एक दूध का पाउडर का पाउच दुकान से ली थी बच्चे को खिलाने के लिए और वो खाने के बाद फ़ौरन वो जो है ना बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग और उल्टियाँ करने लगा है। तो मैंने बोला कि फ़ौरन तो डॉक्टर के पास को लेके भाग, मैं आता हूँ। और मैं जैसे ही पहुँचा डॉक्टर के यहाँ से बच्चों को हम लोग ने लिए और मैं वहाँ से निकला और मैं यहाँ दुकान पर इनके पास आया और मैंने उनको ये पैकेट दिखाई तो उनकी मिसेज थी जिन्होंने दिया, वो नहीं थे यहाँ पर। तो उनकी मिसेज ने सबसे पहले तो इनकार कर दिया कि ये पैकेट हम लोग नहीं बेचते। फिर बाद में मैंने बोला ठीक है, आप बच्चों को लेके मतलब घर पे भेजा, उनके उनके हस्बैंड का आने का हमने इंतज़ार किए। उनके हस्बैंड आए, हमने उनको पूछा कि ये पैकेट आपने बच्चों को दिए, तो उन्होंने जब भीड़ देखी इतनी सारी तो उन्होंने बोला हाँ मैंने दिया, क्या हो गया। तो हमने बताया कि एक्सपायर है और ऐसा एक्सपायर माल आप बेच रहे हो बच्चे को, आज बच्चे की तबीयत ख़राब होगी, दवा खाना जाना पड़ा उसको, वॉमिटिंग कर रहा है बच्चा, कल को कुछ हो सकता है, तो क्या करेंगे आप। तो उन्होंने एकदम सिंपली और नॉर्मली बगैर किसी शिकन के उन्होंने जवाब दिया कि सबसे पहले तो उनकी मिसेज ने सूंघा हाथ में लेकर के और बोला कि ये तो इसमें तो बास थोड़ी आ रही है, ख़राब थोड़ी हुआ है। मैंने उनसे कहा कि खाने की चीज़ थोड़ी है कि भाई खाना थोड़ी है घर का, कि अगर ख़राब आएगी तो ख़राब होगा तो बास आएगी, ये एक्सपायर्ड हो चुका है। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा है। फिर उनके हस्बैंड ने बोला कि भाई वो ताज़ा और फ्रेश दिख रहा था, उस हिसाब से मैंने दे दिया। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, कि आपने बेचा है तो डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर दीजिए जिससे आपने ये माल लिया है। तो उन्होंने कहा डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर मेरे पास नहीं है। सबसे पहले जी इस्लाम भाई, कोई आदमी किसी से माल लेता है डिस्ट्रीब्यूटर से, उसका उसके पास उसका नंबर ना हो ये पॉसिबल नहीं है। फिर उनसे कहा कि भाई सोसाइटी का माल है, बोले भाई ये ना पुराना माल हो सकता है, मेरे पास उनका नंबर नहीं। मतलब ठीक है आप बिल निकालिए, आपने माल खरीदा होगा ना तो बिल निकालिए, उस पर डेट देखते हैं, हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर ने आपको एक्सपायर माल दिया हो तो हम उनकी कंप्लेंट कर सके। तो उन्होंने बोला बिल भी हम रखते नहीं है, बिल की ज़रूरत पड़ती नहीं, और कहा कि जुनैद भाई आपको मालूम है कौन बिल रखता है आज की तारीख में, इस तरीके का इनका बिहेवियर। उसके बाद मेरे बच्चे की तबीयत वापस बिगड़ी, फिर मेरी मिसेज का फ़ोन आया, फिर उसको लेकर के दौड़े। दूसरी चीज़ ये कि डॉक्टर का मैं आपको दिखा दूँ, ये डॉक्टर शेख मोहम्मद शकील का, इन्होंने बच्चे को देखा और ये पैकेट भी दिखाया डॉक्टर को हमने, उन्होंने साफ लिखा है कि बाबा अब्दुल्ला हैज़ बीन सफर्ड फ्रॉम सी वाइटमिंग एंड ड्रोसी आफ्टर टेकिंग डेरी वाइट मिल्क पाउडर विच इज़ एक्सपायर्ड। एकदम उन्होंने क्लियर लफ्जों में डॉक्टर ने मेंशन किया हुआ है कि ये एक्सपायर्ड, बच्चे ने खाने के बाद बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है, बच्चा बीमार पड़ रहा है। ये पहले भी खबर आ चुकी है कि मुमरा के अंदर एक्सपायरी जेली, एक्सपायर जो ब्रेड जैम है वो है, इवन कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, ब्रेड बटर्स वगैरह, ये सारे एक्सपायर माल एक्सपायरी डेट को मिटा करके बाकायदा उसको बेचा जा रहा है। और रास्ते में फौरी तौर पर लोग आधे घंटे एक घंटे के लिए खड़े होते हैं, पूरा घेरा बनाते हैं और जल्दी जल्दी से माल बेचते हैं। 60 रुपया 60 रुपया, 160 का MRP 60 रुपया, 300 का MRP 100 रुपया, ये इसकी कीमत सिर्फ 5 रुपया है इस्लाम भाई, सिर्फ 5 रुपया। आप सोचिए डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर क्यों नहीं दे रहा बंदा, हो सकता है कि ये 5 रुपये की चीज़ इनको 1 रुपये मिली हो, ये भी पॉसिबल है। डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर देने से इनकार करने का मतलब यही होता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। एक चीज़ और, मैं प्रशासन से गुजारिश करूंगा, मैं हमारे पुलिस महकमे से गुजारिश करूंगा, FDA डिपार्टमेंट से गुजारिश करूंगा कि मुमरा शहर के अंदर, इसके पहले जावेद भाई आपको मैंने शायद कॉल किया था, आज से 1.5 साल पहले बिग कोला का एक्सपायरी माल मैंने पकड़ा था जो ग्लोबल बिल्डिंग के बिल्कुल बाहर रोड पर बेचा जा रहा था।
और ट्रक में रखकर बेचा जा रहा था। और जब हम लोग उनको पकड़ने के लिए गए तो ट्रक स्टार्ट करके भागे तो कुछ माल नीचे गिर गया था, हम उनका माल उठाए लेकिन वो लोग हमारे हाथ से निकल चुके थे। मैं मोहम्मद अशफाक अंसारी, शाम में मगरिब के बाद इनका बच्चा पोर्टल लेना है दूध का, ये अपना डेयरी मिल्क, तो मैं उनको दिया। देने के बाद में दो पोर्टल लिए, बाद में फिर दो और लिए। बाद में इन लोग ने मेरे को, एक्चुअली मैंने देखा भी नहीं उसमें एक्सपायरी था क्या नहीं था, लेकिन फ्रेश माल दिख रहा था, मैंने दे दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। उनके वालिद साहब आए थे दुकान पे, बोले कि आपकी दुकान पे से ये पाउडर गया है। बोला हाँ, मेरे पास से ही पाउडर गया और मैंने ही दिया है। आप दुकान चलाते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि कोई भी सामान? नहीं, अभी पाँच महीने से दुकान की कंडीशन सही नहीं थी, इसके लिए मैं रिक्शा चला रहा था। दुकान पे नहीं रहते, बच्चे लोग रहते हैं दुकान पे, तो अभी दिवाली के टाइम पे उन लोग ने साफ सफाई करके लटका दिए होंगे, इसलिए मैं भी ध्यान नहीं दिया, मतलब फ्रेश माल आया रहेगा, जो भी ऑर्डर वेटर का काम था वो लोग करते थे। बच्चे के पिता जुनैद अंसारी पुलिस में शिकायत करने की बात तो कर रहे हैं, मगर आपको भी ज़रूरत है कोई भी सामान खरीदने से पहले उसे एक्सपायरी डेट चेक कर लें, क्योंकि कुछ पैसों के मुनाफे के लिए लोग इस तरह के सामानों को बेचते हैं जिससे खाने पीने से फूड पॉइजन होने का खतरा है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।